ट्रैक्टर की वायरिंग कैसे करें, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी है, आपके पास कार है, छोटा हाथी है, पिकअप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है या फिर दूसरा वाहन, सभी गाड़ियों में वायरिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो बेसिक फंडा होता है, वो लगभग सेम रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा घरों की वायरिंग में, अगर आपने एक घर की वायरिंग अपने आप से खुद से अच्छी तरह से कर ली तो आप किसी भी घर की वायरिंग में आए हुए फॉल्ट को पकड़ सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से होता है गाड़ियों में, अगर आपने एक गाड़ी की वायरिंग अच्छे से करनी सीख ली तो आप किसी भी गाड़ी के वायरिंग में आए हुए फॉल्ट को अच्छे से पकड़ सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि जब भी आप किसी गाड़ी की वायरिंग का नाम लेते हैं तो आपके मन में आता है कि भाई बहुत सारे तारों का गुच्छा एक साथ आपको देखते हैं और आपको समझ नहीं आता कि कौन सा तार कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा और उसका क्या काम है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने इतने सरल तरीके से ये इलेक्ट्रिकल का वायरिंग का बेसिक फंडा समझाया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। बिल्कुल साफ और सरल शब्दों में मैंने बताया है कि कौन सा तार कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और किस तरह से दिखता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस भारी भरकम तारों के गुच्छे से डरेंगे नहीं, बल्कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा तार कहाँ से आता है और कहाँ जा रहा है। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो इस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे आवश्यकता होगी एक डायग्राम की, जिसमें कि मैं आपको समझा सकूं आराम से थ्योरेटिकली कौन सा तार कहां से आता है और कहां जाता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी भी गाड़ी की वायरिंग की जाती है। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल होता है, माइनस वाला काले वाला जो तार होता है, वो सीधा जोड़ दिया जाता है आपके चेसिस से। चेसिस से जोड़ने का ये फायदा रहता है कि आपके पूरे गाड़ी में एक अर्थिंग होगी, तो आपको जहाँ पे भी लाइट जोड़ना हो या हॉर्न देना हो, कुछ भी देना हो, वो आप वहीं से एक तार का कनेक्शन आपको वहीं से दे दीजिए। सिर्फ एक तार का झंझट रह गया, जो कि है आपका लाल वाला तार। लाल वाले तार की वायरिंग कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो बैटरी के लाल वाले एक टर्मिनल को आप गुग्गी के, ये देखिए एक यहाँ पे बोल्ट है और एक दूसरा ऊपर है, तो आपको जो बाहर ये छोटे वाला जो चीज़ देख रहे हैं इसके ऊपर जो बोल्ट है वहाँ पे उसका कनेक्शन देना होता है। आपको इसमें नहीं देना, उसका लाल वाला कनेक्शन आपको ऊपर देना है, ऊपर वाले में जहाँ पे गुग्गी लगी होती है। अब यहाँ से आपको ये वाला जो दूसरी वायर है वो आपको जोड़ना होता है इग्निशन स्विच, जहाँ पे आप चाबी घुमा के यहाँ से और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उसके पीछे में। उसके पीछे में भी कौन से पे जोड़ना है, उसके पीछे में तीन पोल होते हैं, तीन या चार, उस पर 1 2 3 ऐसे नंबर लिखा रहता है। तो आपको एक नंबर जहाँ पे लिखा हो वहीं पे ये बैटरी गुग्गी वाला तार जो स्टार्टर से आया है वहीं पे ये देना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अल्टरनेटर की। तो अल्टरनेटर में दो तार होते हैं, एक लाल वाला और एक लिया होता है अल्टरनेटर की बॉडी से। जो बॉडी से लिया है वो है काले वाला। तो काले वाले को आपको कहाँ पे देना है, जो आपके देखा होगा आपने ट्रैक्टर में या दूसरी गाड़ी में, जब आप चाबी लगाते हो तो एक बल्ब जलता है, एक लाइट जलती है कि हाँ भाई इसमें लाइट आ गई, और जैसे आप स्टार्ट कर देते हो उस गाड़ी को तो बल्ब आपका ट्रैक्टर में खास करके बंद हो जाता है। तो उसका जो बल्ब है वहाँ पे आपको ये काले वाला देना होता है, और जो लाल वाला है वो आपको इसी में देना है, आपका स्टार्टर की गुग्गी में जहाँ पे कि दूसरा कनेक्शन दिया है उसी वाले बोल्ट पे, उसी वाले पॉइंट पे। तो आप इतने में समझ गए कि अल्टरनेटर का कौन सा तार कहाँ देना है और स्टार्टर का कौन सा तार कहाँ देना है। अब बात करते हैं कि जो ये वाला जो तीन नंबर जो पॉइंट है आपके इग्निशन स्विच का, उससे जो दूसरा तार लेके आपको कहाँ पे देना है, आपके स्टार्टर के नीचे वाले तार पे। तो इतनी अगर आप वायरिंग कर लेंगे तो आपने स्टार्टर की और अल्टरनेटर की वायरिंग पूरी कर ली। देखिए कि स्टार्टर और अल्टरनेटर की वायरिंग कितनी हार्ड समझते हैं आप, लेकिन अगर आप इतना समझ गए बात जितना मैंने अभी तक बताया है कि भाई बैटरी से एक लाल वायर आएगा वो गुग्गी में जाएगा, गुग्गी से ना जो वायर लिया वो एक नंबर पे, और गुग्गी से वहीं से एक ये लेके आपके अल्टरनेटर के लाल वाले में देना है। इतना तो लाल वाले का कनेक्शन हो गया। अब बात करते हैं काले वाले की। अल्टरनेटर का जो काला तार है वो आप उस बल्ब में दे दीजिए, उस बत्ती में दे दीजिए, बिल्कुल छोटी सी बत्ती होती है आपके डैशबोर्ड में ही, जहाँ पर आप स्विच लगा दे तो आ जाती है, उसके एक उसमें एक तार ये दे दीजिए काले वाला अल्टरनेटर का, जो जो कि आपका स्टार्ट होने पे बंद होता है और फिर चाबी काटने पे फिर बंद हो जाता है, वो वाला बल्ब ये है। तो आप समझ गए होंगे। तो आपके स्टार्टर में और अल्टरनेटर में इतने ही तार होते हैं, आपको जो आपको गुच्छा दिखता है वो इतने ही तार आपके अल्टरनेटर और स्टार्टर की है। अब बात करते हैं कि देखिए आपकी गाड़ी में लाइट होता है, हॉर्न होता है, मीटर में है, वो सब है, आपके और सारे गेज है, इंडिकेटर है, उन सब की वायरिंग कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो बहुत आसान है, अगर आपने इतना समझ लिया वो इतना हार्ड था, अब तो और तो बाकी बचा तो और भी आसान है।
तो देखिए जो ये दूसरा पॉइंट बचता है आपके इग्निशन स्विच में, उसमें ये दो नंबर पोल से आपको जितनी भी चीज़ है, चाहे आपका हॉर्न हो, चाहे आपका लाइट हो, इंडिकेटर हो या मीटर के स्विच हो, जितने भी स्विच दुनिया भर के तमाम एक्सेसरीज है जो, वो सब आपको दो नंबर से देने होते हैं। तो दो नंबर से आपको क्या करना है, एक तार लेना है, लाल वाला तार जिसको कहते हैं हम, बैटरी के लाल से जो आया है, और वो तार आपको जहाँ जहाँ पे देना है, मान लो हॉर्न में देना है तो सीधा आपको हॉर्न में जोड़ देना है वहाँ से, और एक तार आपको हॉर्न में कहाँ से जोड़ना है, आपके अर्थिंग से, आपकी गाड़ी से। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली होती है हॉर्न में खास करके, कि हॉर्न में जो आप अर्थिंग का जो तार जोड़ते हैं ना, उसके बीच में आपको स्विच लगाना रहता है या जो आपके स्टेयरिंग में होता है वो अर्थिंग वाले में रहता है, जबकि आप लाइट में और जितने भी और स्विच होते हैं उनमें गर्म वाले तार में रहता है। बस हॉर्न में आपको उल्टा याद रखना है कि हॉर्न में जो स्विच लगाते हैं वो काले वाले में लगाएंगे, जो कि आपने अर्थिंग का लिया है आपकी गाड़ी की बॉडी से। बाकी नॉर्मल में जितने भी है उनमें सब में, लाइट वगैरह में जितने जो भी स्विच है आपके, वो लाल वाले तार में लगेंगे। तो लाइट का कैसे करेंगे, लाइट का आपने दो नंबर से ये लिया यहाँ से एक तार, और आपने स्विच ले लिया जो भी आपका स्विच आप लाइट के लिए देखते हैं, तो लाइट के स्विच में आप लाइट के स्विच में भी आप पीछे की तरफ देखेंगे तो लाइन लिखी होगी, लाइन 1 2 ऐसे लिखा होगा, लाइन लो हाई। तो लाइन वाले में आप ये वाला तार दे दीजिए, और लो वाले में आप देखिए कि आपके यहाँ पे जो लाइट है उसमें 1 2 3 तार होंगे, तो एक आपका नॉर्मल वाला जो है लाल वाला वो आप 3 नंबर में दे दीजिए, हाई वाला आप 2 नंबर पे लगाइए, और लो वाला आप 1 नंबर पे लगाइए। अगर आप ऐसे समझ नहीं पा रहे तो आप लगा के देख लीजिए, लो पे एक तार लगाइए, अगर लो पे सही जल रही है घुमाने से तो ठीक है, अगर नहीं सही जल रही है तो आप उसको तार को बदल सकते हैं, तार की पोजीशन उसको हाई में लगा दीजिए, जिससे कि आपका सही वो हो जाए कि मतलब लो खींचने पे आपकी लाइट लो जल रही है और हाई खींचने से हाई जल रही है। इस तरह से आप लाइट का कनेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है जितने भी तमाम तरह के मीटर आपको देखने को मिलते हैं डैशबोर्ड में, या जैसे भी है आपके फ्यूल गेज है या दूसरा गेज है, स्पीड वाले हैं, उसका जो लाल वाला तार है वो आप सीधे कहाँ से दे दीजिए, 2 नंबर पॉइंट से दे दीजिए। तो जितने भी इस तरह के और एक्सेसरीज है, बिल्कुल सिंपल है, एक तार आप ले लीजिए और 2 नंबर पॉल से जितने भी तमाम चीज़ है, तमाम गेज वेज जो भी लगाना है आपको, वो सब चीज़ें आप दो इंडिकेटर पिंडिकेटर वो 2 नंबर से दे दीजिए, लाल वाला तार वहाँ से दे दीजिए, और अर्थिंग का तार कहाँ से देंगे आप, जहाँ पे भी वो चीज़ लगाएंगे आप गाड़ी के ऊपर वहीं से आप अर्थिंग का दे दीजिए, थोड़ी अच्छी जगह से जहाँ पे कि अर्थिंग आ रही हो। तो इस तरह से आपने जाना कि अब बात बचती है, एक चीज़ यहाँ पे बच गई कि बत्ती वाला तार। बत्ती वाला तार मैं आपको बताया था कि बत्ती में ए अल्टरनेटर से जो एक तार आया है वो आप यहाँ पे देंगे, दूसरा जो तार आपको लेना है वो लेना है आपको 2 नंबर से, ये जो बत्ती वाला तार होता है जो कि आपकी चाबी काटने से जलता है और स्टार्ट होने पे बंद होता है। इसके अलावा भी वायरिंग में कई सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि आपके फ्यूज, रिले, वोल्टेज, रेगुलेटर, तो उन सब चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए और आपको ये आसान लगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो इस डायग्राम के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की कि कौन सा तार किधर से आता है, किधर जाता है और क्या काम रहता है। लेकिन जब आप वायरिंग करने गाड़ी पे जाओगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको एकदम अलग अलग सा लगेगा। तो इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैंने एक वीडियो इस पे बनाई हुई है, जिसपे कि मैंने ट्रैक्टर पे जाके और प्रैक्टिकली खुद करके दिखाया है, आपको बताया है कि कौन सा तार किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है। तो आप वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो जैसे ही ये मेरी वीडियो खत्म होगी वो वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी ट्रैक्टर की वायरिंग के नाम से, उसको आप आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका कोई भी कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।